एडवांस फिल्टर की ऑप्शन को यूज़ करना है। सिंपल फिल्टर हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। एडवांस फिल्टर को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है, तो फिल्टर रेंज ऑफ सेल बाय यूजिंग ए कम्प्लेक्स क्राइटेरिया। सपोज आपने वो रिकॉर्ड जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स जिनके 60 से ऊपर हैं, उनको आपने एक दूसरी जगह पे डाटा रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, या उसी जगह पे रहते हुए आप उन डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से ऊपर हैं। तो आप यूज़ एडवांस कमांड इन फिल्टर एंड ग्रुप इन डाटा टाइप्स। आप डाटा के टाइप्स के अंदर आपके पास एडवांस फिल्टर की ऑप्शन है। एडवांस कमांड वर्क डिफरेंटली फ्रॉम फिल्टर कमांड इन सेवरल इम्पॉर्टेंट वे। तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से जो है ये एडवांस फिल्टर की कमांड अप्लाई की जाती है। अब इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम जो है किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस कॉलम के ऊपर आपने कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है उसको एज इट मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम जितने भी कॉलम्स के ऊपर लगाना चाहते हैं उनको आप उनकी लेबल्स या हेडिंग्स को आप कॉपी करके एक जगह शीट पे दूसरी जगह पे पेस्ट कर लें। अब आप जो कंडीशन लगाना चाह रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट करें। लेट से मैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपने लगा के इम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने ग्रेटर देन 60 का साइन लगा के इसको कंडीशन स्पेसिफाई की। अब आप जो रिकॉर्ड आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसको कॉपी करें उनके हेडिंग्स को, और आप शीट के अंदर कहीं पे जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर दें। जितने आपको कॉलम्स चाहिए उन कॉलम्स को आप वहाँ पे जाके कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जी। अब हम एडवांस फिल्टर की ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले डाटा के टैब में गए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एडवांस फिल्टर की। एडवांस फिल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ये आप जब फिल्टर इंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ यहीं पर रिकॉर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देगा जो भी आपने कंडीशन दी होगी। मैं चाहता हूँ कॉपी टू एन अदर लोकेशन, तो क्राइटेरिया आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जो क्राइटेरिया आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं उस कॉलम पे, और कॉपी टू एन अदर लोकेशन, और कॉपी टू एन अदर लोकेशन जहाँ पे आपने कॉपी करना है वो मैंने जगह स्पेसिफाई की हुई है, मैंने उसके जो है रेफरेंसेस वो ड्रैग करके वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए। तो क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू लोकेशन दोनों जगहों को आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है, और आपने ऑप्शन अप्लाई करनी है ओके की। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड जो है उसने एक्सट्रैक्ट करके आपको दूसरी लोकेशन पे कॉपी कर दिया। अगर आप देखें तो रेंज एवरेज के कॉलम में आपको सारे मोर देन 60% रिकॉर्ड जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई या फुलफिल कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली उसने इन इस रेंज ऑफ रिकॉर्ड या डाटा में से वो रिकॉर्ड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके उसने कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे कॉपी करके आपको बाहर निकाल दिए। तो दैट इज़ एडवांस ऑटो फिल्टर, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल फिल्टर। तो एडवांस ऑटो